नमस्कार, स्वागत है आपका नादी विशेष में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार एक घटना होने जा रही है। सनसनीखेज हत्याकांड की दोषी एक महिला को फांसी पर लटकाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। उसे मथुरा की जेल में ये सजा दी जाएगी। बात उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 12 साल पहले 7 लोगों की जान लेने वाला है। यहाँ रहने वाली शबनम ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की जान ले ली थी। उसने उन सभी को कुल्हाड़ी से काट डाला, यहाँ तक कि शबनम के इस वहशियत का शिकार 6 महीने का एक मासूम बच्चा भी हुआ। राष्ट्रपति ने इस हत्यारिन की दया याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद उसे फांसी के तख्ते पर किसी भी दिन लटकाया जा सकता है। इस तरह यह देश में किसी महिला को फांसी की सजा देने का पहला मामला बनने जा रहा है। दिल दहला देने वाली इस वारदात के कई पहलू आपको सख्ते में डाल देंगे। इश्क से फांसी तक का सफर, बेरहमी ऐसी कि राष्ट्रपति ने भी ठुकराई दया याचिका। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को होगी फांसी। मासूम समेत 7 लोगों की काटी गर्दन। अपने ही परिवार के 7 लोगों को उतारा मौत के घाट। निर्भया के हत्यारों को फांसी पर लटकाने के बाद जल्लाद पवन अब एक बार फिर मसरूफ हो गए हैं। उन्हें फांसी की एक और सजा पर अमल करना है। औरत को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे, जो सजा को पाने वाली आजाद भारत की पहली महिला होगी। निरीक्षण में तैयार हूँ, अगर बेटियों को जो है वो नकल ऑर्डर आएगा, IGDI से कम मुख्यालय हमारे, वो मेरठ जेल को भेजेंगे ऑर्डर, मैं उसके लिए मैं रेडी हूँ। करीबन मैं कोई एक साल पहले गया था, मैंने निरीक्षण किया था। वैसे तो ओके है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होगा, वो भी कभी पूरी हो जाएगी। देखिए, ऐसे दोषियों को तो फांसी होनी चाहिए। जब अपने बहन भाई के, अपने माता पिता को उसने उन्हें जो है मौत के घाट उतार दिया, तो ये तो बिल्कुल क्राइम, घिनौना क्राइम। पास घर से दूर चले जाने का विकल्प भी था, लेकिन शबनम प्यार में रुकावट को सहन नहीं कर सकी और उसने इस भीवत्स हत्याकांड को अंजाम दे दिया। सन 2008 में 14 और 15 अप्रैल की दरमियानी रात हुई इस वारदात ने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। घटना के बाद स्थानीय अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने शबनम को फांसी के लायक ही समझा। अब उसकी मर्सी अपील भी ठुकराई जा चुकी है। ऐसे में अब उसका फांसी पर लटकना तय हो गया है। शबनम को फांसी देने के लिए मथुरा जेल को चुना है।
150 साल पहले बने मथुरा जेल के महिला फांसी घर में शबनम की फांसी की तैयारी भी शुरू हो गई है। आजादी के बाद इस फांसी घर में पहली बार किसी को फांसी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। बिल्कुल, आपने ये रिपोर्ट देखी कि अपने प्रेमी को पाने की जो है हद तक बढ़ गई कि उसने अपने परिवार को, शबनम ने यानी अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, एक मासूम की भी जान ले ली है। आप सोचिए कि कितनी हद तक क्या मानसिकता रही होगी कि जो जन्म देने वाले माँ बाप हैं, भाई बहन हैं और साथ ही एक छोटा सा 6 महीने का मासूम बच्चा, क्या मानसिकता रही होगी शबनम के दिमाग में, कैसा क्या चल रहा होगा कि इतनी चाह इस हद तक बढ़ गई कि पूरे परिवार को ही जो है मौत के घाट उतार दिया। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे और इस मसले पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ ब्रजेश चौकसी जी, हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट हमने देखी कि 12 साल पहले का ये मामला 2008 को ये इस वारदात को अंजाम दिया गया, यानी कि आप सोचिए कि किस हद तक, आजकल प्रेम प्रसंग के कई ऐसे मामले हैं लेकिन ये तो बहुत ही डरावना कि शबनम ने अपने पूरे परिवार को, यहाँ तक कि एक छोटे से 6 महीने के बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया, यानी कि क्या मानसिकता रही होगी उस टाइम पे, ये सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई जो है एक महिला इतनी निर्दयता से अपने पूरे परिवार को, जो उसको जन्म देने वाले माँ बाप हैं उनको मौत के घाट उतार दिया, साथ ही एक छोटे बच्चे को भी। देखिए पूनम, ये शबनम अकेली ऐसी महिला नहीं है जिसने इतने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया हो। देश की विभिन्न जेलों में ऐसी 4 महिलाएं हैं जिनको फांसी की सज़ा दी जा चुकी है लेकिन अभी उनको फांसी पर नहीं लटकाया गया। उनमें शबनम है, एक सोनिया है जो हरियाणा की है। सोनिया की कहानी भी कुछ इस तरह ही है। सोनिया ने अपने विधायक पिता सहित 7 लोगों की हत्या की थी, 8 लोगों की हत्या की थी, इसी तरह से नृशंस हत्या की थी। और इसके बाद फिर एक मामला है महाराष्ट्र का, जहां 2 बहनों को, सगी बहनों को, सीमा और रेणुका शिंदे को फांसी की सज़ा दी गई है। ये महिलाएं, ये दोनों जो महिलाएं हैं वो दोनों सगी बहनें हैं, उनकी माँ के साथ मिलकर वारदात करती थी, बच्चों का अपहरण करती थी, छोटे बच्चों का उनके माध्यम से चोरी करती थी और फिर उनकी हत्या कर देती। ऐसी 47 अपहरण की वारदातें की थी उनने और आधा दर्जन से अधिक बच्चों को मार दिया था। तो इनको भी सज़ा हुई, उनकी माँ की जेल में ही मौत हो गई, दोनों बहनों को सज़ा हुई और उनकी दया याचिका इन 4 महिलाओं की राष्ट्रपति द्वारा ठुकराई जा चुकी है। तो इन लोग में से किसी को भी एक महिला को यदि सज़ा होती है तो वो आज़ादी के बाद पहली महिला होगी जिसे फांसी पर लटकाया जाएगा। फांसी की सज़ा तो इनको ऑलरेडी हो ही गई और इनकी दया याचिका भी निरस्त हो गई राष्ट्रपति की। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से फांसी देने की प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है। हमने निर्भया कांड में भी देखा है किस तरह से अड़ंगे लगाए जाते हैं, किस तरह से एक के बाद एक कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जाता है कि जिससे कि मरने वाले को ये लगे या उसके परिवार को कि वो बच सकते थे या वो निर्दोष थे, किसी तरह से रास्ता सारे, बहुत सारे फांसी पर लटकाने से पहले जितनी प्रक्रियाएं हैं उनके पालन के कारण आज तक ये लोग अटके हुए हैं जी। हमारे देश में 1414 करीब लोगों को फांसी हो चुकी है लेकिन अब तक आज़ादी के बाद तक 60 से 65 लोगों को ही फांसी पर चढ़ाया जा चुका है, बाकी अन्य या तो दया याचिकाओं में लंबित हैं मामले। तो ये प्रक्रिया के कारण अब ये महिला को, जिसकी हम बात कर रहे हैं शबनम की, इसको फांसी देने की तैयारी चल रही है मथुरा जेल में। बाकायदा जिस तरह से हमने देखा है निर्भया कांड में भी कि बिहार की जो बस्तर जेल है वहाँ से फांसी के फंदे वहाँ बनते हैं, वो फंदा लाया जाता है। जिस पवन जल्लाद की हमने पहले भी जिक्र किया था निर्भया कांड में, पूरे देश ने देखा था, दुनिया ने देखा था, वही पवन जल्लाद 2 बार मथुरा जेल का निरीक्षण करके जा चुके हैं। वहाँ पर जिस तरह से तैयारियाँ चल रही, इस कारण लग रहा है कि जल्दी ही इनको फांसी पर लटका दिया जाएगा, इस महिला को, शबनम को, उसकी तैयारियों को देखते हुए। हालांकि हमने ये भी देखा है कि निर्भया कांड में किस तरह से तैयारियां चल रही थी और एंड टाइम पे किस तरह से अड़ंगे लग जाते थे, तो अभी तो हम कह नहीं सकते कि इन 4 महिलाओं में से कौन सबसे पहले फांसी पर लटकेगी। ये रही महिलाओं की बात। रही दूसरी कि ये जो महिलाएं हैं अपराध करने की कैसी प्रवृत्ति होगी, तो अपराध चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अपराध की प्रवृत्ति रहती है मानसिक रूप से, इस तरह से इनका मानसिक वो रहता है कि अपराध कर जाते हैं। कई बार त्वरित अपराध होते हैं कि कोई कहीं जा रहा है, उससे विवाद हुआ और धोखे से मार दिया तत्कालिक गुस्से में, और कुछ अपराध होते हैं जो बाकायदा योजना बनाकर किए जाते हैं, तो ये उसी तरह के अपराध हैं।
जिनको दुर्लभ से दुर्लभतम अपराध कहते हैं, जिनमें फांसी की सजा दी जाती है, वो अपराध बाकायदा प्री प्लान आपने योजना बनाई है और उसको अंजाम तक पहुंचाया है, इस कारण इनको फांसी की सजा दी जाती है। हालांकि अब फांसी की सजा देने का प्रावधान हमारे देश में मासूम बच्चों से रेप के मामलों में भी हो गया, लेकिन पहले जो होते थे दुर्लभ मामले, इस तरह की हत्याएं होती थी, उन्हीं में फांसी की सजा दी जाती। हमने देखा है कि राजीव गांधी हत्याकांड हुआ था पुणे में, जी बिल्कुल, दुर्लभ मामलों में ही फांसी की सजा दी जाती है, ये प्रावधान है। और साथ ही आपने ये भी बताया कि फांसी की जो है काफी जटिल प्रक्रिया है, और इसको और अच्छे से जान लेते हैं। हमारे साथ एडवोकेट प्रियल आनंद जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियल जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। जी प्रियल जी, जिस तरीके से जो है फांसी की जटिल प्रक्रिया है, काफी जटिल प्रक्रिया है, और हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश जी भी बता रहे थे निर्भया केस में किस तरीके से जो है एंड मोमेंट तक हर कोशिश की गई, हर संभव कोशिश की गई, और फांसी कई बार टली भी, तो क्या अब इस केस में भी ये माना जाए कि इस केस में भी कोई उम्मीद ऐसी है, कोई जो है ऐसा प्रावधान बताया जा सकता है, ऐसी बात कही जा सकती है जिसके बेस पे फांसी की सजा टल जाए? मैम देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो ये फांसी की सजा है मैम, इस चीज को अगर हमारे देश से ये प्रावधान हट जाएगी तो ये रूल ऑफ लॉ ना बन करके रूल ऑफ जंगल हो जाएगा, सबसे सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज मैम कि जो ब्रूचुअलिटी हुई है, जो समाज में एक ब्रूचुअलिटी हुई है, जो शबनम ने किया है, दैट वॉज नॉट इवन अ वे टू इवन इलेबोरेट थिंग। आज हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें और ऐसी घटनाएं घट रही है जिस चीज को अगर अभी रोका ना गया तो आगे वो बहुत बड़ी एक प्रारंभिक तौर पे एक बहुत बड़ा ही एक वारदात हो सकता है और एक अलग रूप और एक अलग परिवर्तन हमारे समाज को मिल सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये बोलना चाहूंगी मैम कि जो अगले बोला पनिशमेंट के बारे में, मैम ये पनिशमेंट जो है बेसिकली, ये जो पनिशमेंट थ्योरी है ये एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, ये हमें अपने समाज को समझाने के लिए है कि जो भी ब्रूचुअलिटी हुई है अगर उस चीज को अभी ना रोका जाए तो आगे समाज इस चीज का सीख ले सकता है, आगे ऐसी बहुत सारी वारदातें हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को रोक लगानी है, और कहीं ना कहीं ये जो लॉ है इस चीज में कहीं पे भी ऐसी चीजें कंडेम नहीं हो सकती या कोई भी चीज एंटरटेन नहीं हो सकती जिसकी चीजें आगे चल करके हमें एक दूसरा डिफरेंट एंगल और डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिले। जी प्रियल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही हम देखते हैं फांसी की सजा का प्रावधान है, फांसी दी जाती है, तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस अगर आम जनता को समझाना हो कि किस उसकी डेफिनेशन समझाना हो, किस केस में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना जाता है? मैम सबसे पहले अगर मैं इस केस की बात, अगर इस केस के तथ्य को आप देखें तो इसमें मैम 7 लोगों की हत्या हुई है जिसमें फांसी की सजा जो है वो प्रावधान इसलिए भी देनी चाहिए और इवन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी कंप्लीट आई हुई है कि मैम आप 7 लोगों की हत्या में शबनम एंड सलीम ने 10 महीने के बच्चे की भी हत्या की है, हालांकि उनकी उम्र 20 साल के लगभग है, जहां की सोसाइटी में जो बच्चे 20 साल के या 18 साल से एडल्ट होते हैं उनकी एक थिंकिंग कैपेसिटी जो होती है रिगार्डिंग सोसाइटी, रिगार्डिंग देयर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, वो बहुत डिफरेंट होता है और बहुत एक नुमाइंदे तरीके से पेश की जाती है, लोगों की फ्यूचर उस पर डिपेंड होती है। अगर हम अपने सोसाइटी को इस चीज का एग्जाम्पल ना दे तो आगे आने वाले समाज में चाहे कोई भी एडल्ट हो, कोई भी इंसान हो, इस चीज को क्राइम को अपने हाथ में लेना कहीं की भी बादशाही नहीं होती है। आप ये समझिए कि अगर हम इस क्राइम को ना रोके, अगर हम समाज को अपने सोसाइटी को इस चीज में एंटरटेन करें कि हमारी जो ये चीजें हैं, हम आज जो ये वारदात हुई है इस चीज को आगे हम मर्सी पिटीशन में डालें या रिव्यू पिटीशन में डालें अंडर सुप्रीम कोर्ट और इस चीज पे एक नया हमें जजमेंट और या ऑर्डर मिले, तो मैम वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक नई दिशा की ओर ना ले जाते हुए हम उस आंशिक चीज को कहीं और भी बढ़ावा दे रहे होंगे। जी तो दैट इज द मेन कंडेम्ड थिंग विच वी हैव टू फॉलो ऑन आवर सोसाइटी प्लेटफॉर्म। जी
शुक्रिया प्रियल जी हमसे बातचीत करने के लिए। ब्रजेश जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कहा कि ऐसी वारदातों को रुकना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है घर परिवार में ही हम देख रहे हैं। आपने भी एक घटना का जिक्र किया हरियाणा का और एक महाराष्ट्र की घटना का जिक्र किया, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इंसान किस कदर जो है अपने प्रेम संबंधों में, खासतौर से हम ये चीजें देख रहे हैं, सामने आती हैं कि इंसान अपने परिवार तक को दाव पर लगा देता है, कुछ नहीं सोचता उसे। और साथ ही फांसी की हम प्रक्रिया की बात कर रहे थे कि जटिल प्रक्रिया है, तो इसमें भी हम देखें कि एक बहुत लंबा टाइम बीत गया है, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है, जबकि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस ही है एक तरीके से। ये बिल्कुल पूनम, देखिए हम जहाँ तक ये बात फांसी की बात कर रहे हैं उसमें एक महिला है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में, हमारे समाज में माना जाता है कि महिला ममता की मूर्ति होती है, उसमें दया होती है, करुणा होती है, वो इस तरह के अपराध नहीं कर सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले लगातार कई समय से और लंबे समय से हम ये बदलाव आ रहा है कि महिलाओं के नेचर में बदलाव आ रहा है कि वो भी जघन्य अपराध करती हैं, जघन्य अपराध में शामिल हो जाती हैं। जिस तरह से ये मामले की हम शबनम की बात कर रहे हैं, किस तरह से उसने अपने परिवार के लोगों को ही मार दिया, जैसी उम्मीद नहीं की जाती महिला से, अपेक्षा नहीं की जाती, वैसा मामला था। रही बात फांसी पर लटकाने की, वो जटिल प्रक्रिया है, उस पर बहुत बहस अभी भी हुई थी निर्भया कांड में कि किस तरह से रोक दिया जाता है। एक और महिला है जो 98 में, जिसको रामश्री नाम महिला है, जो लखनऊ का ही मामला था, उसको भी फांसी की सज़ा दी गई थी, उसको फांसी पर लटकाया जाना था, लेकिन जेल में ही डिलीवरी होने के कारण, बच्चा होने के कारण उसकी फांसी को फिर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। तो महिलाओं के साथ भी कई पहलू देखे जाते हैं, चाहे फिर हम राजीव गांधी हत्याकांड की बात करें, जिसमें नालिनी सिंह को फांसी की सज़ा हुई थी, कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी थी, लेकिन सोनिया गांधी के आग्रह पे जब राष्ट्रपति के पास दया याचिका गई, तो तब वहाँ पे प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी, उन्होंने उसकी सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया था। तो ये राष्ट्रपति के पास भी अधिकार है उनकी सज़ा को कम करने का और या फांसी को उम्र कैद में बदलने का। तो इस तरह की हमने देखा भी है कि बहुत सारी दया याचिकाएँ राष्ट्रपति के पास लंबित रहती हैं लंबे समय तक, और ये मामले चलते रहते हैं, फिर कोर्ट में चलता रहता, फांसी के दौरान भी बहुत सारी परिस्थितियां रहती हैं उसका एक। ब्रजेश जी, मैं यहाँ पर आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ डॉक्टर ब्रीज त्रिपाठी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर ब्रीज त्रिपाठी, आपने इस घटना को सुना ही होगा, जो शबनम और सलीम प्रेम प्रसंग के चलते शबनम ने अपने पूरे परिवार को जो है मौत के घाट उतार दिया, यानी कि 6 महीने के बच्चे को भी उसने नहीं छोड़ा। आजकल हम देख रहे हैं इस तरीके के केसेस समाज में बहुत बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो क्या वजह मानती है कि परिवार तक को दाव पे लगा देते हैं आजकल लोग? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ये जो भावनात्मक अलगाव जिसे हम कहते हैं, बेसिकली जब हम फैमिली मर्डर पे आते हैं तो हम कहते हैं डिटैचमेंट फ्रॉम फैमिली। तो ये जो भावनात्मक अलगाव होता है वो कई दर्दनाक घटनाओं का परिणाम भी होता है। ये हम वो एक एक्ट तक देख नहीं रहे, हम ये देख रहे हैं कि पहले ये बता दूं कि मैं उनका फेवर नहीं कर रही हूँ, मगर एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करूँ तो जैसे बचपन का दुरुपयोग होता है, बचपन की उपेक्षा होती है, आपको आपके घर में किस तरीके से ट्रीट किया गया, जिन बच्चों के साथ ये दुर्व्यवहार होता है या उपेक्षा की जाती है, वो क्या करते हैं कि वो भावनात्मक रूप से दूसरी चीजों से जुड़ाव महसूस करते हैं और अपने माता पिता या देखभाल करने वालों से उनका भावनात्मक संबंध जो है वो कम हो जाता है। तो क्या होता है कि इसको अगर हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में कहें तो एक ब्लंटिंग होता है, भावनात्मक ब्लंटिंग, वो आप सुन्न हो जाते हैं। जब आप सोचिए एक छोटे 6 महीने के बच्चे, मतलब हम फिल्मों में देखते हैं कि बच्चा हंस देता है तो डाकू भी उस बच्चे को छोड़ देता है ना, तो यहाँ पे एक छोटा 6 महीने के बच्चे को भी गला रेता जा रहा था, तो वो एक भावनात्मक शून्यता ही था ना उसके पास। तो ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हुआ। अब सामाजिक एस्पेक्ट की हम बात करें तो आप ये देखेंगे कि समाज में अभी एक साहब कह रहे थे, मैं सुन नहीं पाई क्योंकि आपने मुझे अभी जोड़ा, कि समाज में बदलाव बहुत आ रहा है। महिलाएं अब इस पहले कहते थे कि मैन आर किलर्स, उनको मतलब हमने कभी शायद महिलाओं को मर्डरर के रूप में देखना ही नहीं चाहा, क्योंकि वही बात चाहती कि ममता की मूर्ति है। तो आप देखेंगे कि एक जॉली शाजू करके केरला में भी एक महिला ने यही किया था, उसने 14 साल में अपने ही फैमिली के 6 लोगों का मर्डर किया, मगर यहाँ पे एस्पेक्ट अलग था, बहू थी वो और यहाँ बेटी थी। आप सोचिए, बहू ने तो धीरे धीरे मारा और बेटी ने एक बार में कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया। अब आप बताइए, इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने के लिए एक आपराधिक व्यवहार होना चाहिए, पर नहीं, आपराधिक व्यवहार नहीं होता, क्योंकि आप जान ही नहीं पाते हो कि
कि जो आपके साथ है वो किस तरीके का बंदा है. क्या होता है कि आपके सामने जैसे हम कहते हैं स्लीपिंग सेल्स होते हैं, हम समझ ही नहीं पाते वो हमारे साथ रहते हैं. तो इसी तरीके से ये ऐसे लोग होते हैं जो विशेष रूप से हम सोचते हैं कभी कभी अपराधों की एक संभावना रखने वाले लोग ही अपराध कर सकते हैं, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं. आप ये देखेंगे कि उनको उनका जो हिस्सा चाहिए था, मैंने जो चाहा वो नहीं मिला, इसलिए जो मेरे इस कृति के खिलाफ है वो मरेंगे. अब ऐसा कौन सोच सकता है? ऐसा एक बहुत ही कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने की इच्छा, ये ना पेशेवर अपराधी नहीं होते, इसलिए इनसे हम सतर्क नहीं हो पाते, आसान नहीं रहता हमारा सतर्क होना. लेकिन ये शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इन्हें अचानक बहुत तेज और बेकाबू किस्म का गुस्सा भी आ सकता है, इस दौरान ये कुछ कर गुजरते. मगर मैं ये कहूंगी कि शबनम के केस में ये भी नहीं था, बहुत सोचे समझे साजिश थी, बहुत आराम से ड्रगिंग किया गया उनको, उसके बाद उनका गला रेता गया. कम से कम कहना चाहिए 150 बार फोन पे एक दूसरे से बात किया गया. और अगर शबनम ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति की, या मैं कहूँ कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट वाली लेडी थी, तो अपने बच्चे को ये मैसेज कैसे लिख सकती है पत्र में कि अपने सबसे बड़ों का क्या बात मानना, हम मिलेंगे, अच्छे से पढ़ना है, अपनी जिंदगी अच्छी बनाना. इसका मतलब वो अपने बेटे से प्यार करती है तो अपने माँ बाप से प्यार क्यों नहीं कर पाई? बिल्कुल, कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं. ब्रजेश जी, आपका कोई सवाल? आपको क्या लगता है त्रिपाठी, मैं क्या ये जानना चाह रहा हूँ कि जो प्रवृत्ति बदल बन रही है, महिलाओं में भी बन रही है, इसको कैसे रोका जा सकता है, क्या उपाय किया जाता है? आप तो सोशल वर्कर हैं, उन क्षेत्रों में काम करती होंगी, क्या देखती है किन परिवर्तनों के कारण ये इस तरह के अपराध हो रहे हैं और कैसे इनको रोका जा सकता है? देखिए, परिवर्तन क्या था कि पहले जमाने में क्या होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत नीचे से शुरू कर रही हूँ. पहले जमाने में हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे कि घर का काम करते थे, तो महिलाओं को जो गुस्सा आता था वो बर्तन मांजती थी या कपड़े धोती थी, तो वो कपड़ों पे अपना गुस्सा उतारती थी या बर्तनों पे अपना गुस्सा उतारती थी, पर घर के किसी से वो झगड़ा करना या जोर से आवाज में बोलना ये उसे सिखाया ही नहीं गया था. मैं ये नहीं कह रही कि महिला हमेशा दबी रहे, लेकिन आज कितनी माएं सिखाती हैं अपनी बेटियों को कि ससुराल में जाके ऐसे रहना, उल्टा ये सिखाया जाता है कि तेरे को एक बोले ना तो तुरंत निकल के आ जाना, हम बैठे हैं, ठीक है ना. तो ये शुरू से जो गुस्सा, सनक, भावुकता, मूड स्विंग, ये सारी चीजें बच्चों के अंदर रहता है और हम उसे देख नहीं पाते. परिजनों को चाहिए कि उन्हें बगैर बताए इस तरीके का इलाज या काउंसलिंग का बंदोबस्त करें. जब आप देखते हैं कि आपका बेटा या आपकी बेटी मूड स्विंग की शिकार है, या घर में बहुत किसी बात पे बहुत तेज चिल्लाने लगती है, अचानक गुस्सा करती है, तो आप उसकी काउंसलिंग कराइए. क्योंकि ये दिमागी लक्षण किसी भी दिन ऐसी ही घटना या ऐसी ही गतिविधि के रूप में सामने आती है. क्यों? क्योंकि क्या होता है, वो बंधा हुआ रहता है. कहीं ना कहीं जो मुझे शबनम के केस में ये लगा, मैं अगर सामाजिक तौर पर बात करूं, कि कहीं ना कहीं उसको कहते हैं ना, एक उपेक्षा की गई, या घर में उसको उसी तरीके का उसका बचपन जुड़ा, तो जब सलीम उसकी जिंदगी में आया तो उसको लगा बस यही अब मेरी जिंदगी में, ये बाकी सारे मेरे दुश्मन है, क्योंकि पहले से भी मेरे दुश्मन थे, है कि नहीं. और जब हम देखते हैं कि कलह या नाखुशी या यौन शोषण एक होता है, हम कहते हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसके साथ कोई यौन शोषण करता है तो भी वो एक बहुत विकृत रूप से पलता बढ़ता है. तो जब दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली जो इनकी डिग्री है ये बढ़ती जाती है कि मैं कैसे भी इनको नुकसान पहुंचाऊं. सुनाई दे रहा है ना? जी जी जी. हेलो जी जी, ब्रिज त्रिपाठी जी. चलिए शुक्रिया ब्रिज त्रिपाठी जी हमसे चर्चा करने के लिए. और अब हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी जुड़ गए हैं, दिलीप आर्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं. दिलीप आर्य जी, बहुत स्वागत है आपका. नमस्ते मैम, थैंक यू. दिलीप आर्य जी, जिस तरीके से जो है शबनम को फांसी की सजा होनी है, तो आपसे उसी पहलू पर चर्चा करना चाहेंगे कि जब फांसी की सजा सुना दी जाती है, उससे पहले की क्या स्थिति जो है अपराधियों की रहती है, जिसको फांसी होना है उसके माइंड में क्या कुछ चलता रहता है? क्योंकि निर्भया के टाइम पे भी हमने देखा था, जब निर्भया के दोषियों को फांसी होना थी तो कहीं ना कहीं डर, घबराहट जो है वो बढ़ जाती है, घबराहट बहुत ज़्यादा, ऐसे में नींद नहीं आती या फिर खाना नहीं खाते, बहुत सारी तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई थी. और क्या कुछ स्थितियाँ ऐसी या और क्या माइंड में चलता रहता है? मैडम, ये मानव स्वभाव है, आदमी अगर किसी वृद्ध भिखारी से पूछा जिसके अंग गल गए हो कि आप मृत्यु
चाहेंगे मुक्ति के लिए तो वो मृत्यु से मना करेगा, मृत्यु से डरेगा। मानव स्वभाव, हर आदमी आखिर तक चाहता है कि उसकी मृत्यु ना हो। देखा हुआ जो गंभीरतम अपराधों के अपराधी होते हैं उन्हें मृत्युदंड की जगह लंबे काल तक, लंबी काल कोठी में रहना पसंद करते हैं। ये नहीं कि मुक्त हो जाए और दोबारा अच्छे कर्म दोबारा जन्म ले। तो मानव स्वभाव ये मन में चल रहा हुआ कि किस तरह से बच जाए, और इसमें आदमी भूख खत्म हो जाती है, नींद नहीं आती है, घबराहट रहती है, शरीर पसीने पसीने रहता है, और लड़ने का, टकराने से दीवार में मारने का मन होता है। ऐसे ऐसे समय पर काल कोठरी में से सावधानी रखी जाती है, 24 घंटे उनकी चौकसी रखी जाती है। और ये शबनम के मामले में महिला वार्डन लगी होंगी जेल में, मथुरा जेल में, उनकी रक्षा करने के लिए कि वो अपने आप आत्मघात न कर लें, हताशा में शरीर को नुकसान न पहुंचा लें। तो इस तरह की विकृतियां मन में पैदा होती है, आदमी घबराता है, नींद नहीं आती है, भूख खत्म हो जाती है, चिल्लाता है, लड़ने को आमादा हो जाता है, बात बात पर एकांत में रखा जाता है दो आरोपियों को। जी चलिए, शुक्रिया दिलीप जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रजेश जी, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से दिलीप आर्य जी ने भी बताया कि आखिरी मोमेंट जो ऐसा होता है, हमने देखा निर्भया केस में, आपने भी जिक्र किया कि आखिरी आखिरी तक फांसी टालने की जो है तमाम उनकी तरफ से कोशिशें की गई कि किसी भी तरीके से फांसी टल जाए। क्या आखिरी टाइम तक उनके माइंड में चलता रहता होगा कि हो सकता है कि चलिए फांसी की सजा टल जाए, और घबराहट काफी उस टाइम पे बढ़ जाती होगी। तो अभी से जब फांसी की सजा सुना दी जाती है तो जाहिर सी बात है कि शबनम को अगर सुनाई गई है तो उसके माइंड में भी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, और आखिरी तक उनकी तरफ से भी कोशिश की जाएगी। निश्चित तौर पर जिस तरह से आर्य साहब बोल रहे थे कि कोई भी नहीं चाहता है कि वो मरे, जो आदमी अपाहिज होगा, अपंग होगा, बिस्तर पे पड़ा होगा, उसकी भी तमन्ना रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जिए और बच जाए। तो अपराधी भी नहीं चाहता है कि जब मौत की सजा उसको सुनाई जाती है समय से बाद से तक, लेकिन जब डेड वारंट जारी हो जाता है उसके बाद उस पर 24 घंटे नजर रखी जाती है, क्योंकि उसके पूरे मेडिकल चेकअप होता है, निगरानी होती है, कहीं वो ऐसा कदम ना उठा ले कि उसकी फांसी को तय समय से पहले ही रद्द करना पड़े, तो तब उसकी, अभी डेड वारंट इसमें जारी नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पर जब उसको पता है कि अभी तो उसकी प्रतिक्रिया वही चल रही होगी जिस तरह से उसे पता है कि फांसी होने वाली है, कई साल हो गए हैं उसको सोचते हुए, तो जब डेड वारंट जारी हो जाएगा उसके बाद जब उसको पता चलेगा कि मुझे 24 घंटे बाद या 2 दिन बाद मुझे फांसी होने वाली है, तब उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। इतना लंबा समय हो गया तो अभी वो बदलाव तो हुआ नहीं होगा, तैयारियाँ चल रही होंगी। जिस तरह से हमने निर्भया वाले मामले की अभी जिक्र किया, देखते हैं कि वो लास्ट समय तक जिस तरह से वकील सुझाव देते होंगे, उनके रिश्तेदार परिवार वाले लगे होंगे कि कैसे इसको और टाला जा सके और बढ़ाया जा सके, तो उसकी कानूनी प्रक्रिया में उलझाने की कोशिश की जाती है, और उसमें मुझे लगता है कि अभी लगे होंगे या पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई होगी, तो निश्चित तौर पर अब डेड वारंट जारी होगा तो उसके बाद उसमें बदलाव आएगा उसके नेचर में, और उसमें निगरानी में रखा जाए। जैसे कि वो त्रिपाठी मैडम बोल रही थी कि हमें शुरू से ही अनुशासन लाना पड़ेगा बच्चों में, यदि उनकी मनोवृत्ति ऐसी हो रही है तो उसको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ताकि वो अपराधी, एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो ये उनकी एक बात को हम समझ सकते हैं कि यदि आपके बच्चे में किसी में आपराधिक प्रवृत्ति है तो वो आपको बचपन पे ही आप बाज कर सकते हो, उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से और उसको ठीक कर सकते हो, लेकिन हम करते हैं लापरवाही करते हैं, उपेक्षा करते हैं, जिस तरह से उनको दबाने की कोशिश करते हैं उससे इस तरह के विकराल रूप में बाद में हमको परिणाम देखने को मिलते हैं। पूनम जी, शुक्रिया ब्रजेश जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल जो है आज़ाद भारत के इतिहास में पहली ऐसी घटना जिसमें महिला को फांसी होने जा रही है, लेकिन इससे पहले भी कई इस तरीके की घटनाएं हैं, लेकिन फांसी की सज़ा अभी तक हमने नहीं देखी कि किसी महिला को, लेकिन पहली बार है। और जिस तरीके से आज हमने इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की कि ब्रजेश जी ने भी बताया कि पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं, तो पहले ही अगर हम समझ लें कि हम किस दिशा में जो है हमारे साथ रहने वाला इंसान जा रहा है, और उपेक्षा जिस तरीके से की जाती तब भी परिवार का कोई व्यक्ति उपेक्षा का शिकार होकर भी कई बार ऐसे कदम उठा लेता है, तो पहले ही हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि हमारे साथ रहने वाला इंसान हमारी ही जान का दुश्मन बन जाता है। तो पहले ही इस तरीके की चीज़ें जो हैं उपेक्षा ना की जाए, पहली चीज़ के बचपन से ही उनको उस तरीके से रखा जाए, माहौल दिया जाए, और अगर कई बार लग रहा है कि ठीक है अगर बच्चा गलत फहमी में है और वो मान रहा है कि हम उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कई बार काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग कीजिए ताकि इस तरीके की घटनाएँ जो हैं ना हों। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, और मुझे दीजिए इजाज़त, लगातार खबरों के लिए बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।